पाप एवं चरित्र परिचय। तारकेश्वर, तारकेश्वर जो एक गांधीवादी विचारधारा के हैं और इनके पुत्र सूरज की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। आचार्य जी गांधीवादी विचारधारा के आलोचक हैं परंतु वाद विवाद के समर्थक हैं। आफताब, तारकेश्वर के दत्तक पुत्र हैं जिसका लालन पालन तारकेश्वर जी ने गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप किया था परंतु धर्मांधता में भटक गया। सुमित्रा, तारकेश्वर की धर्मपत्नी एवं उनके विचारों की समर्थक है। शाम हो चली है, कमरे में अंधेरा कुछ जल्दी आ गया है। तारकेश्वर पांडे की तबीयत कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ रही है, हल्का बुखार भी है, स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ गई है, पहले से काफी दुर्बल व जर्जर हो गए हैं। कौन है, आ जाओ। नमस्कार पांडे जी, क्या हाल चाल है? प्रणाम आचार्य। सुना है दुश्मनों की तबीयत नासाज हो गई है, लगता है सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। दंगे में मारे गए निरीह और बेकसूर लोगों का सदमा बर्दाश्त हो रहा है? अरे पांडे जी, आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। जब झाड़ू लगती है तो कीड़े मकोड़े ऐसे ही मारे जाते हैं। आचार्य जी, मंदिर मस्जिद टूट जाए तो दोबारा बन सकता है, यदि इंसान मर गया तो किस गारे मसाले से बनाओगे? मंदिरों में घंटी बजाने कौन जाएगा, मस्जिदों में इबादत करने कौन जाएगा? आप खुश हो रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए महाराज। मुझे हंसी आती है कि आप भी ऐसा सोचते हैं। हम लोगों का आलोचना करना तो फैशन सा हो गया है, एक प्रगतिशीलता की पहचान बन गई है। आप उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते जो हम पे उंगलियां उठाते हैं, उनके फंडामेंटलिज्म के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। अरे कम से कम आपसे तो हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप दोनों पक्षों के बारे में बराबर बोलेंगे। तुम बराबरी की बात करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्म के सारे कट्टरपंथी एक ही स्कूल में प्रशिक्षित हुए हैं और जब हम उनकी अलंबरदारों के विचारों को एक बार मिला देते हैं तो ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन शब्द किसका है। मुझे इस घटना पे थोड़ी भी शर्म नहीं आती, मुझे गर्व है, इसने हमारे आत्मविश्वास को वापस लौटाया है। अरे दुनिया जब इस जाति को कायर समझती थी वो ये कहती थी कि ये अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आज उन्हें पता चला है कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, वो गलत थे। अरे लेकिन हमारा हमेशा यही बहस होते रहता है, छोड़िए रोज का कटा कटा। देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया, देखिए। मलवा? अरे मलवा नहीं है महाराज, गांधी जी की किताब है। हाँ गवारे पे मिली मुझे, सस्ता सौदा पट गया, सोचा आपके काम तो आ ही जाएगी। देखिए ना इसपे किसी पुस्तकालय की मुहर भी लगी हुई है। अच्छा गांधी पुस्तकालय की ही मुहर है, क्या जमाना आ गया है, लोग आजकल गांधी को भी बेचने लग गए हैं। नाना पांडे जी, आश्चर्य तो तब होता है जब किसी विचारधारा को लोग इस भ्रम में पाले रखते हैं कि वो विचारधारा आज भी जीवित है। ऐसा नहीं है, वो मर गया है, तो मारने का नाटक क्यों करते हो, क्यों तोड़ते हो उनकी मुर्तियां, क्यों करते हो बार बार उनका अपमान, जानते हो क्यों? करने लगा है तुम्हारा हिंसक चिंतन, बेनकाब होने लगी है तुम्हारी धार्मिक विफलता, तुम्हारा राष्ट्रवाद। बीच में कहां बस गया, आज मुल्क
सजा का कर्जदार हो गया है और मात्र 55 करोड़ के लिए गांधी को गोली मार दी। केवल 30 जनवरी 1948 को गांधी नहीं मारे गए थे, गांधी आज भी मारे जाते हैं। हजारों गोडसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, हिंसा का नकाब लगाकर हर रोज हर पल गांधी के सिद्धांतों के, गांधी के विचारों का गला घोट रहे हैं। और इसमें गांधीवादी विचारधारा को मानने वालों ने भी गांधी के विचारों का गला घोटा है। फिर भी गांधी जीवित हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि गांधी सत्य हैं और सत्य कभी मरता नहीं। आचार्य जी, सत्य कभी मरता नहीं, गांधी एक विश्वास है और विश्वास कभी नहीं टूटता। आचार्य जी, कभी नहीं टूटता। पांडे जी, एक बात बताइए, आप समझते नहीं है, आफताब एक अनाथ बच्चा था जिसे आपने जीवन भर पाला है, वह भी तो गांधी का सत्य और विश्वास था। क्या हश्र हुआ उस सत्य और विश्वास का, मैं आपको दिखाता हूं। ये कल का अखबार, पढ़िए इसको, इसमें आपको सत्य और विश्वास दिखेगा। कल बारात से लौटते समय एक आतंकवादी ग्रुप ने 16 लोगों को, इसमें क्या लिखा है, एक ही समुदाय के 16 लोगों को निर्मम हत्या कर दी। एक ही समुदाय के, अरे ये बराबर लिखते भी नहीं है, साफ साफ बताते भी नहीं है कि वो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे। मुझे तो शर्म आ रही है। आपको पता है, सिर्फ एक बच्चा, उस परिवार का सिर्फ एक बच्चा बचा है पांडे जी। और आपको मैं जानकारी दे देता हूं, आपका बेटा आफताब इसी आतंकवादी ग्रुप का आइडियोलॉग है, जिसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। मुझे शर्म होता है इस चीज पे। आपको याद होगा, मैंने इसी कमरे में कई सालों पहले आपको समझाया था कि जिस पुत्र को आप गांधीवाद का दूध पिला रहे हो, वह आपको आकर डसेगा। और देखिए, इसमें आपको आज आकर उसने डस लिया है, आपके फलसफे में उसने जहर उतार दिया है आपको, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। सूरज तो आपका अपना बेटा था ना, उसके मरने के बाद आप गांधी जी के पास गए थे, क्या कहा था उन्होंने, वह कथन आप भूले नहीं होंगे, वह कथन महज कथन नहीं था, वह उनका सत्य और उनका विश्वास था। और वो सच आज आपके सामने है, फिर भी आप कहते हैं कि सत्य कभी मरता नहीं, गांधी एक विश्वास है और विश्वास कभी मरता नहीं। आप समझ नहीं सकते पांडे जी, आप समझ नहीं सकते हैं, छोड़िए। कहने के साथ बाहर की तरफ चल देते हैं, हाथ में पड़ी किताब का यकायक ख्याल आता है, वापस आते हैं और तख्त पर लगभग पलट कर बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। तारकेश्वर पांडे निष्प्राण बैठे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर हरकत प्रारंभ होती है, अखबार उनकी मुट्ठियों में कसता जाता है, तिल मिलाकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, छड़ी का सहारा लेकर उठते हैं, मंच के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं, दीवार पर टंगी गांधी की तस्वीर के सामने रुकते हैं, तस्वीर से बातें करने लगते हैं। जानते हो बाबू आज कौन सा दिन है? 30 जनवरी, आज ही के दिन गोडसे ने आपको गोली मारी थी। 30 जनवरी 1948 को जो मरा था वो आप नहीं थे, लेकिन आज जो मरा है, जानते हो कौन है वो? जानते हो बाबू? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए? रोज तुम मुझसे बातें किया करते थे, तस्वीर से बाहर निकलकर मेरे से घंटों बातें किया करते थे, देश विदेश की घटनाओं पर चर्चा किया करते थे, आज चुप क्यों हो गए? क्या अपने ही मौत पर मौन हो गए?
आज फिर एक बेटा मेरा मारा गया है। सूरज तो मेरा खून था, परंतु आफताब जो मरा है, आफताब के हिंसा में जाने से मुझे कई गुना ज्यादा दुख हुआ है। सूरज जब मरा था तो एक संबंध की मौत हुई थी, परंतु आफताब की मौत एक विचारधारा की मौत हुई है, एक विचारधारा की मौत। बापू आज जानते हो क्या हुआ? धर्म के ठेकेदारों ने आतंकवाद रूपी भाला से मेरे आफ्ताब को घोंप घोंप कर मार डाला बापू, घोंप घोंप कर मार डाला। फिर आज वही दिन आया है बापू, फिर वही दिन आया है, यही मैं हूँ और वही तुम हो। आज कुछ ना कहना बापू, आज कुछ ना कहना। हिंदू संस्कारों में मृत शरीर को अग्नि देने की परंपरा है, और उससे ज्यादा अच्छा कौन होगा तुम्हारे मृत शरीर को अग्नि देने के लिए बापू, मृत शरीर को अग्नि देने के लिए। ओम सुमाय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम अग्निशुमाभ्याम स्वाहा, ओम सर्वपूर्ण स्वाहा। दे दो सुमित्रा। क्यों? भाई क्या एक्टिंग कर रहा है यार। दरवाजे पर कौन खड़ा है? अबू लगता है रात के अंधेरे में गलत पते पर आ गए हो। तेरा आफ्ताब हुआ अबू। मेरा आफ्ताब तो मर गया भाई, कल उसका जनाजा है। मरा नहीं है अबू, घर लौट कर वापस आया है। घर वापस आ गया क्यों? एक हारे हुए व्यक्ति की आत्म पीड़ा पर हंसने या एक मरी हुई विचारधारा पर ठहाका लगाने? एक टूटे हुए विश्वास को जोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी के नैतिक और वैचारिक समर्थन की। सुमित्रा कहो इससे चला जाए यहां से। गया तो था, और जब गया था तो घनघोर अंधेरा था, आज ही की तरह। कुछ नहीं समझ में आ रहा था किस ओर जाना है। कई सारे रास्ते थे पर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तरह कई सारे लोग इस जंग में शामिल थे, कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया था, कोई अपना पढ़ाई के आया था, कोई छात्र था तो कोई बेरोजगार था। हमारी तरह कई सारे लोग इस जंग में इंकलाब की तलाश कर रहे थे। सबके अंदर इस व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश भरा हुआ था, एक गुस्सा भरा हुआ था, अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी उनके अंदर। हम सब दर बदर भटकते रहे, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने, एक जंगल से दूसरे जंगल, घर घर जाकर इंकलाब की जमीन हम लोग तलाश कर रहे थे। पर अंदर ही अंदर कहीं मुझको ऐसा लगता था कि मानो सच ये नहीं है, सच तो कुछ और है। जिन सपनों की तलाश में हम सब बाहर निकले थे वो शीशे की तरह दरकते जा रहे थे। कहने को तो हम सब मुसलमान थे पर हम में भी कई सारे नाम थे। कोई खुद को शिया कहता था, कोई खुद को सुन्नी कहता था, कोई खुद को पठान कहता था। हम सब में एकता नहीं थी। तब जाके ये बात लगी कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात इंसानियत और हैवानियत की है। जिस तरह से आतंक का प्रयोग आतंक को खत्म करने के लिए किया जा रहा था वह अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। उस रात जब हमको खबर मिली कि पड़ोस के गांव में कुछ मुखबिर आके छुपे हुए हैं, हम हरकत में आ गए। हमारे कमांडर ने बारात से हिंदुओं को अलग खड़ा कर दिया, उन पे गोलियां चलाई,
लखपत उनकी लाशों को देखकर मैं हो गया। शादी का लाल जोड़ा सुर्ख हो गया। तब मेरी नजर उस मासूम से बच्चे पर पड़ी। मैंने उसको उठा लिया, गोद में उठा लिया। फिर मैं वहां से भागा। उन्होंने मुझे गद्दार कहा, मुझ पर गोलियां चलाई, पर मैं नहीं रुका। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उस बच्चे के अंदर बचपन का आफ्ताब नजर आया और मुझे उस व्यक्ति के अंदर आप नजर आए अबू, आप नजर आए अबू। सच तो ये है कि सच मरा नहीं है, सच आज भी जिंदा है। मरी तो वह मानसिकता है जो आदमी को आदमी से अलग करती है, जो उनके अंदर हैवानियत का बीज डालती है। यही सच है। नहीं बेटे, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है बेटे। रुक जाओ। सो गई आफ्ताब के हाथ से रिवॉल्वर छूट जाता है। तारकेश्वर पांडे दम तोड़ देते हैं। सुमित्रा उन्हें बाहों में भरकर रोने लगती है।